हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए अपनी लगातार, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि योगी सरकार को ये भर्ती बहुत जल्द करवानी है और इलेक्शन तक ये भर्ती सब क्लियर करवानी है, इसलिए ये एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल को लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश जी के, ठीक है। यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपीएसआई, बीडीओ, मतलब जितने भी आपके यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश जीके की। आज सेकंड क्लास है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, उत्तर प्रदेश 1950 से हुआ था, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे दोस्तों। क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, पक्षी क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। और दिल्ली से सटे कौन से ज़िले हैं या फिर हरियाणा से सटे कौन से ज़िले हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग देख चुके थे। कितने हमारे यूपी में ज़िले हैं वो भी हम लोग सब देख चुके थे। नगर निगमें कितनी हैं, राज्य में प्रथम कौन कौन है, ये भी हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य से पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य से पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार अगर दोस्तों बात की जाए, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार दोस्तों कहाँ था, बरेली में 1837 में था, ठीक है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ था दोस्तों, बरेली में 1837 में था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों आपका कहाँ था, लखनऊ में 1940 में। आप इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स हैं मेरे और इन्हीं से ही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 101%। तो आप इन लेक्चर्स को हल्के में मत लीजिए, पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा मैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं 3-4 घंटे पढ़ना है बैठ के, आप सिर्फ ये 15 मिनट की क्लास आप देख लीजिए बस, आपको और कुछ नहीं करना है, एक बार पीडीएफ देख लेना बस, आपका क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा था, 25-2-1968 से लेके 25-2-1969 तक, एक साल तक, ठीक है। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितने बार हुआ है दोस्तों, 10 बार हुआ है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितने बार हुआ है, ऑप्शन देगा आपका 10 बार, 12 बार, 15 बार, 9 बार, 10 बार, आप लोग ऑप्शन टिक कर देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी आपकी, सुचेता कृपलानी, कौन थी दोस्तों, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका, राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राज्य की द्वितीय पहली महिला मुख्यमंत्री, वो राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी आपकी, तो वो थी सुश्री मायावती। ये आपकी कितनी बार मुख्यमंत्री बनी, 4 बार। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे आपके, अखिलेश यादव जी, ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे आपके, अखिलेश यादव जी। फिर दोस्तों क्या है आपका, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी, सुश्री मायावती जी, कितने बार, 4 बार। क्लियर है सबको, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री मायावती जी 4 बार, राज्य की व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। क्लियर इतने सबको। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों, सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। क्लियर सभी को। चलिए, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, राज्य व देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी, सरोजनी नायडू ही थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को। फिर दोस्तों नेक्स्ट, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी जी, ठीक है। फिर है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947 तक। क्लियर है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों, विशंबर दयाल। प्रथम लोकायुक्त अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन क्या देंगे आप, प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब हुआ दोस्तों, 7 अक्टूबर 2003 को, ठीक है।
राज्य मानवाधिकार आयोग गठन 60 अक्टूबर 2003 को। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा आपका। राज्य सूचना आयोग का गठन, ये गठन वगैरह जो होते हैं दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर 2005 को। कब हुआ दोस्तों? 14 सितंबर 2005 को। वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों इस समय कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मैंने क्या नाम बताया था पूरा दोस्तों? अजय मोहन विष्ट। क्लियर। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? एक लखनऊ में सबसे पहले, ठीक है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में एक, ठीक है। उसके बाद क्या है? किशोर सदन या अल्पसंख्यक कारागार, मतलब बच्चों की जेल, ठीक है। वो कहाँ है दोस्तों? बरेली में है आपकी, और मेरे घर के लगभग पास ही में है, ठीक है। प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं दोस्तों? 67। प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं उत्तर प्रदेश में अपने? 67। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या दोस्तों कितनी है? 56 है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है। अब वो कौन कौन सी जगह हैं? ज्ञानपुर, महोबा और आपका देवबंद, ठीक है। ज्ञानपुर, महोबा और आपका देवबंद। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। यूपी का पुनर्गठन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 में। 1 अप्रैल 1937 से पहले इसे जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। किसे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। कब? 1 अप्रैल 1937 से पहले। 1858 तक यूपी की राजधानी कौन सी रही दोस्तों? 1858 तक आगरा रही। फिर 1858 से लेकर 1921 तक रही यूपी की राजधानी इलाहाबाद। फिर 1921 से लेकर टिल डेट अब तक कब है, कौन है राजधानी उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। क्लियर है सभी को। 1947 से यूपी की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी। और 1989 से यूपी की द्वितीय राजभाषा कैसे जोड़ा गया? उर्दू को दोस्तों। यूपी का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों कौन सा है? बलिया। यूपी की सबसे पूर्वी जिला दोस्तों कौन सा है आपका? बलिया है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, देखिए पूर्वी जिला क्या हो गया आपका? बलिया। पूर्व के अपोजिट पश्चिमी जिला दोस्तों हो गया शामली। और यूपी के उत्तर में दोस्तों कौन से जिला है? सहारनपुर। और यूपी के दक्षिण में दोस्तों कौन से जिला है? सोनभद्र। क्लियर हो गया सबको? चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। इस मैप से आप लोग याद रख सकते हैं, इस मैप से बना के आप लोग याद रख सकते हैं। और सोनभद्र से एक रिलेटेड बात और है कि सर्वाधिक प्रदेशों को सोनभद्र स्पर्श करता है। कितने प्रदेशों को? 4 स्टेट को ये छूता है या टच करता है या स्पर्श करता है। कौन सा जिला आपका दोस्तों? सोनभद्र। क्लियर है। चलिए, यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसके साथ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ दोस्तों आपका? मध्य प्रदेश के साथ। यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा किसके साथ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के साथ। ललितपुर जिला तीनों तरफ से घिरा है किससे? मध्य प्रदेश से। ललितपुर जिला तीनों तरफ से किससे घिरा है दोस्तों? आपका घिरा है दोस्तों मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। क्लियर है। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? आपके गोरखपुर में। मैदानी भाग में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मथुरा में। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वा। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्वा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के मैदान में, ठीक है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है। यूपी में कुल परिस्थितीय क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? आपके 9 हैं। देश में कुल राशि जलवायु क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? आपके 15 हैं। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? आपका बुंदेलखंड में होता है। आंवलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। दोस्तों देखिए, इसमें आपको ये चीज़ याद करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको यूपी जीके अपना क्लियर करना है तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। इसकी याद कराने की कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको आपको एक बार सुनना पड़ेगा और एक बार दोस्तों आपको देखना पड़ेगी पीडीएफ पूरी, उसके बाद ही ये आपको याद होंगे। आंवलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। क्लियर। आम की किस्में कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ललित सुखी, लखनऊ और सफ़ेदा। ललित सुखी, लखनऊ और सफ़ेदा। केलों की किस्में कौन कौन सी होती हैं? मालयोग, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर। ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी केले की किस्म है, आपको ऑप्शन दे देगा। 4 उसमें से एक ऑप्शन आपका इसमें से होना चाहिए, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर या फिर मालयोग। क्लियर है।
आलू को अन्य प्रदेशों में बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से। पान की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? महुआ। किसान मित्र योजना कब से हुई थी आपकी? 18 जून 2001 से। किसान वही योजना कब से हुई थी? 1992 से। क्लियर है? चलिए ये भी देख लीजिए। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये। अमेठी का क्या मुख्यालय है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का क्या है दोस्तों? नोएडा। कौशाम्बी का क्या है? मंझनपुर। और दोस्तों है आपका अंबेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। कुशीनगर का क्या है? पड़रौना। कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माती। और सिद्धार्थ नगर का क्या है दोस्तों आपका? नौगढ़। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका BDO के एग्ज़ाम में आया था दोस्तों, BDO वाले आपके एग्ज़ाम में आया था जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, और जो कैंसिल हो गया है दोस्तों ये उस एग्ज़ाम में आया था, और उसने मिलाने को दे दिया था जैसे संत कबीर नगर का ऐसे करके, मतलब ये इसका होता है, ये इसका होता है, ये इसका होता है, ये इसका होता है। चार ऑप्शन गलत थे, सबसे सही था अमेठी के सामने लिखा था गौरीगंज, बस यही ऑप्शन टिक कर दिया था बच्चों ने, और यही बिल्कुल सही आपका आंसर था। क्लियर है? चलिए, सोनभद्र को क्या कहते हैं? रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय कौन सा है दोस्तों आपका? रॉबर्ट्सगंज। जलौन का कौन सा है? उरी। फर्रुखाबाद का है? फतेहगढ़। और संभल का क्या है? पबासा। दोस्तों ये थी आपकी यूपी की क्लास नंबर 2। आपकी लगभग 8 क्लास में पूरे यूपी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस PDF को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम पे आप ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। और इनकी प्रैक्टिस में भी आपको करवाऊंगा यूपी जीके की। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सर, मैं बता भी रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और लगातार आपके लिए मैं एक बार जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद यूपी के पूरे क्वेश्चन मैं आपके लिए लगवा दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।